बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 97 न्यूज़ के साथ मैं हूं फ़ियाज़ अहमद। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा हेडलाइन। बीजेपी ने मकबूजा कश्मीर की सियासी जमातों की रियासत को खुद मुख्तियार हैसियत बहाल करने के लिए मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। तमाम जमातें कपार अलामी में कई की हर बात पर कारें बंद हैं और चाहती हैं कि जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत फौरी तौर पर बहाल की जाए। मकबूजा कश्मीर की सियासी रहनुमाओं का मुतालबा। पाकिस्तान ने सऊदी की बड़ी पेशकश से फ़ायदा उठाने का मौका गंवा दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हर माह 27 करोड़ डॉलर उधार तेल की पेशकश की। पाकिस्तान में 12 माह में सिर्फ 76.8 करोड़ डॉलर का उधार तेल हासिल कर सका। दरामदी गंदम का पहला जहाज आज कराची एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। आटे की कीमतों में 7 रुपए तक कमी की तवक्को है वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी। डॉक्टर माया को करीबी दोस्त जुनेद निजी पार्टी में ले जाता था। जुनेद ने ही डॉक्टर माया को नशे का आदि बनाया। माया अली जुनेद के तशद्दुद के रवैये से तंग थी। तफ्तीश में इंकशाफ। पाकिस्तान के नामवर शायर अहमद फराज को मधु से बिछड़े 12 बरस बीत गए। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट 97newstv.com। मिलते हैं मजीद खबरों के साथ, तब तक के लिए फ़ियाज़ अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।